नाज़रीन, मेरे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि इतना आज सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और बेल पे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है, आपको देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आज जो हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ वो है चिकन कढ़ाई की रेसिपी। और यहाँ पर हम लोगों ने जो सा चिकन है वो रख लिया है, इसके अंदर हम लोग जो सा वन साशे है शान का हम लोग यूज़ करें। आप लोग किसी भी ब्रांड का जो आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने दही रखी है और दो से तीन यानी कि दरमियाने साइज़ के हम लोगों ने प्याज, इनको बारीक बारीक काट के इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है, क्योंकि हम लोगों ने कढ़ाई वाला चिकन तैयार करना है तो उसके लिए जो ग्रेवी हम लोगों ने बनानी है इसके लिए हम लोगों ने करनी है ये प्याज इस्तेमाल। प्याज हम लोगों ने काट के हम लोगों ने तेल डाल के अब इसको रख देना है चूल्हे पर पकने के लिए। एज़ यूजुअल, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोगों को लाइट कलर देना है, लाइट सा ब्राउन कलर देने के बाद हम अपनी फर्दर रेसिपी को करेंगे शुरू। तो बिना टाइम ज़ाया कि अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और ये प्याज़ों को लाइट ब्राउन होने के लिए चूल्हे पर रखते हैं और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। और जी, ये मैंने लहसुन डाल दिया, लहसुन डाल के ना 5 मिनट में भूनती हूँ, फिर थोड़ा सा पानी डाल के ना गलने के लिए रख देती हूँ, फिर गोश्त डाल देती हूँ। आज बच्चे कहते कढ़ाई बना के दो, मैंने कहा चलो आज की रूटीन में ना खाना तो रोज़ाना ही माशाल्लाह पकता है, तो ये चीज़ें हैं खाने के लिए और क्या खाना। हाँ जी, हो गए ना। अब ये मैंने पानी डाल दिया, चलो ठीक है, अब मैं ढक देती हूँ इसे। अब ये ना हला के अब ये प्याज डाल दें, बकाया पानी का प्याज। ये मैं गोश्त डाल रही हूँ, गोश्त डाल के ना भूनते हैं, फिर दही भी डालती हूँ, मसाले भी, बाजार का मसाला भी डालना है ना, उसका पैकेट भी। तो ये पानी खुश्क हो जाए ना फिर पकाएं, आप खाते हैं। हाँ जी, ये मैं दही डाल रही हूँ, साथ से डालनी है दही के, आप दही डाल के थोड़ा सा भूनते हैं। क्योंकि कढ़ाई में दही ना लाजमी डलती है, या टमाटर डाल लें आप, दही का जायका ज़्यादा अच्छा लगता है इससे। अच्छा जी, ये साथ ही मैं मसाले भी डाल देती हूँ, सब चीज़ें ना फिर इकट्ठी भून लेते हैं, भून के हमारी हांडी तैयार हो जाएगी। क्योंकि मैंने गोश्त इसलिए पहले डाल दिया था ना कि गोश्त गल जाए। भून लेंगे और साथ ही ये घी आ जाएगा ना, तो हांडी हमारी तैयार हो जाएगी। अभी भूनेंगे ना, तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स, कलर भी माशाल्लाह चेंज हो गया है और खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अब मजीद इसको भूनेंगे तो और जो उनसे खुशबू आना शुरू हो जाएगी, बबल्स भी बनने लग गए हैं इसके अंदर। और इसको हम लोग गार्निश करेंगे धनिया हरी मिर्च के साथ। हाँ जी, तो कोई और स्पाइस तो हम लोगों ने ऐड नहीं करना। हाँ जी, ये हरी मिर्च, धनिया, ये देखिए माशाल्लाह। ये तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चिकन कढ़ाई की रेसिपी है वो बिल्कुल हो गई है फाइनल, और ये है उसका फाइनल लुक। तो आप लोग देख सकते हैं कि बबल्स भी बन रहे हैं इसके अंदर और जो चिकन है वो भी गल गया, और माशाल्लाह खुशबू का तो क्या ही कहना, कितनी उमदा ज़बरदस्त आ रही है। तो क्योंकि रेसिपी मत चिकन कढ़ाई की, और आपको पता है जो मतलब हम रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाके ऑर्डर करते हैं तो जो कढ़ाई होती है वो कढ़ाई में ही सर्व की जाती है, इसीलिए हम इसकी सर्विंग जो सी है वो कढ़ाई में ही रहने देंगे। बस हम लोग इसको मतलब टेबल पर रख कर
गर्मा गर्म नान के साथ खा लेंगे। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आज की रोसी हमारी सिंपल और बहुत जल्द बनने वाली रेसिपी है। लाइक अगर आपके घर कोई गेस्ट आते हैं और आपके पास टाइम नहीं है लेकिन चिकन अवेलेबल है तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू कि आप जल्द से जल्द इसको क्विकली बना सकते हैं। तो आप इसको बनाएं बहुत ईजी है, मतलब अगर आप लोगों ने कोई साशे वगैरह अपने घर में रखा हुआ है कोई भी मसाला है तो वो ऐड कर दें, अगर नहीं तो आप अपने घर के स्पाइसेस भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर होंगे दोबारा हाजिर, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ को मैं दुआ में याद रखिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।